हाय एवरीवन, वेलकम टू जीएस क्वेश्चन पेपर। जीएस क्वेश्चन पेपर में आज का फर्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स से रिलेटेड। कौन सा राज्य चिखलो कालो उत्सव मनाता है? गोवा, सिक्किम, लद्दाख या फिर मणिपुर? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? आई होप आप लोग गेस कर लिए होंगे। इसमें से चिखलो कालो उत्सव मनाता है आपका गोवा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चिखलो कालो गोवा में जो है एक खास जगह है, मरसिल गांव, वहाँ पर धरती माता और किसानों के बीच संबंधों का जश्न मनाया जाता है। चलिए इसके बारे में डिटेल देखते हैं। उत्तरी गोवा के एक छोटे से गांव मरसिल में भगवान कृष्ण के बचपन का जश्न मनाने वाले पारंपरिक मिट्टी का त्यौहार चिखलो कालो को राज्य पर्यटन विभाग के द्वारा मान्यता दी गई है और इसे प्रचारित किया जा रहा है। अब यहाँ पर पर्यटक भी आ रहे हैं, इसलिए यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस उत्सव को मरसिल के देवकी कृष्ण मंदिर से यह शुरू होता है और मंदिर के बाहर वहाँ पर कीचड़ में लोग अपना खेलना शुरू करते हैं। इसमें युवा और बच्चे एक दूसरे पर कीचड़ फेंकते हैं और भगवान कृष्ण के द्वारा एक बच्चे के रूप में खेले गए खेलों की नकल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2023 में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ निदेशक नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है अजय भटनागर, राजेश कुमार, अशोक वर्मा, सुनीता शर्मा। तो इसमें विशेष निदेशक के रूप में अजय भटनागर जी को नियुक्त किया गया है। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स देखते हैं जिसपे क्वेश्चन बनते हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो जो CBI है, भारत की प्रमुख जांच पुलिस एजेंसी है। CBI को इसकी शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से। वर्तमान में CBI के जो निदेशक हैं वो प्रवीर सूद जी हैं। वर्तमान में निदेशक प्रवीर सूद हैं और एक विशेष निदेशक हैं अजय भटनागर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री से रिलेटेड। बिनागढ़ वाला एकमात्र हड़प्पा स्थल कौन सा शहर है? कौन सा, आपको पता है जितने भी हड़प्पा कालीन स्थल हैं वो छोटे छोटे किले या फिर गढ़ बनाए गए हैं और उसका मेन द्वार एक बढ़िया सा मेन द्वार होता था, लेकिन ये जो स्थल है यहाँ पर कोई भी गढ़ है या नहीं है, ये गाँव के तरीके से था। चौंदड़ो, लोथल, रोपर, आलमगीरपुर, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो थोड़ा सा ग्रामीण परिवेश लेकर के ये सेकेंड ऑप्शन हम लोगों का सही है, चहुंदड़ो था। इसमें किसी भी प्रकार का गढ़ नहीं पाया गया है। आइए इससे रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं। चहुंदड़ो के पास कोई गढ़ वाली संरचना नहीं थी। चहुंदड़ो की खुदाई किसने की थी पूछता है, तो ये 1931 में NG मजूमदार ने की थी। चहुंदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो ये वर्तमान में सिंधु नदी के तट पर, वर्तमान सिंध पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो के पास स्थित है। क्वेश्चन में पूछता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के पास स्थित है या चहुंदड़ो किस नदी के पास है, तो चहुंदड़ो सिंधु नदी के पास है। मोहनजोदड़ो का क्वेश्चन हम लोग आगे चल के देखते हैं। यहाँ मोतियों का कारखाना मिला है और मानव बल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये प्राप्त होते हैं आपके चहुंदड़ो से। मोतियों का कारखाना कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? तो चहुंदड़ो से भी प्राप्त होता है, इसके साथ साथ लोथल में भी हम लोगों को देखने पर मोतियों का कारखाना और मन के बनाने का कारखाना। हड़प्पा के किस स्थल से घोड़े के निशान मिले हैं? ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, कई एग्जाम में पूछा है। कालीबंगन से, सुरकोटदा से, या लोथल से, या फिर रोपर से? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो घोड़े के निशान मिले हैं वो मिले हैं आपके सेकेंड ऑप्शन, सुरकोटदा से। आइए इससे रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं। सुरकोटदा में घोड़े के हड्डियों के अवशेष और कुछ संबंधित कलाकृतियां मिली हैं। विशेष बात यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान घोड़े ने महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई थी, लेकिन हमको सुरकोटदा में घोड़े के हड्डियों के अवशेष भी मिलते हैं और कुछ कलाकृतियां जिनमें जो घोड़े की बनी हुई हैं वो मिलती हैं। सुरकोटदा है कहाँ पर? तो गुजरात के कच्छ जिले में रापर तालुका में स्थित है। इसकी खुदाई किसने की थी? तो इसकी खुदाई की थी JP जोशी और NK शर्मा ने, और इन्होंने बताया कि 1921 से 17 की सपूर के दौरान घोड़े की हड्डियों के यहाँ पर हमको प्रतिकृति मिली है। नेक्स्ट देखते हैं, वायु के गर्म होने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन दिया है, यह फैलती है और अधिक स्थान घेरती है जब वायु गर्म होती है। दूसरा दिया है कि जब वायु गर्म होती है तो यह गर्म करने पर भारी हो जाती है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? केवल दो है या केवल एक है, या तो ना एक ना दो, और या तो दोनों ही सही है। इसमें से जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सेकेंड ऑप्शन, केवल पहला। क्यों? क्योंकि गर्म करने पर यह भारी ना होकर के हल्की हो जाती है, इसीलिए जो गर्म हवा होती है वो हमेशा हल्के होने की वजह से ऊपर उठती जाती है। यहाँ पर केवल एक सही होगा, फैलती है और स्थान घेरती है। आइए इसका फैक्ट्स देखते हैं। अणु जितनी तेजी से गति करते हैं
या चलते हैं वायु उतना ही गर्म होती है। जैसे जैसे अणु गर्म होते हैं और तेजी से आगे बढ़ते हैं और अलग हो जाते हैं, इसी के लिए अधिकांश अन्य पदार्थों की तरह गर्म होने पर यह फैलती है, क्योंकि वो अलग होते जाते हैं, इसके लिए एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाते हैं, और ठंडा होने पर यह सिकुड़ती है। गर्म हवा अब हल्का और वजन में देखते हैं। गर्म हवा ठंडी हवा की तुलना में हल्की होती है, क्योंकि इसके कणों में ऊष्मा ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप अणुओं के बीच की दूरियां भी बढ़ जाती हैं और इससे घनत्व कम होता है। गर्म हवा का जो है घनत्व कम हो जाता है, इसी के लिए यह ठंडी हवा की तुलना में हल्का हो जाता है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषताएं दो हैं। पहला है आपका नगर नियोजन, यहाँ फर्स्ट ऑप्शन सही है। दूसरी क्या विशेषता है, वहाँ पे नालियों की जो व्यवस्था है ये और किसी सभ्यता में नहीं देखने की मिलती है। यहाँ पर पानी के निकासी की बहुत ही अच्छी सुविधा मिलती है, तो यहाँ पर फिलहाल नगर नियोजन दिया हुआ है तो ये सही होगा। बाकी विदेश व्यापार भी होते थे, सामुदायिक बाजार भी लगते थे। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स देखते हैं। नगर नियोजन की प्रणाली कैसी थी, क्वेश्चन बना है, तो ये ग्रिड प्रणाली बोलते हैं, ये थे। गढ़ जो है प्रशासनिक और धार्मिक उद्देश्य के लिए थे गढ़ बनाए गए थे। एक निचला शहर था आम लोगों का और जो ऊपरी गढ़ था तो वो प्रशासनिक और धार्मिक लोगों के लिए था। जली हुई ईंटों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया है। पत्थर की इमारतों की अनुपस्थिति रही है। पूछा भी गया क्या पत्थर की इमारतें थी, तो नहीं, यहाँ पर पत्थर की इमारतों की अनुपस्थिति थी, यहाँ पे ईंटों का प्रयोग हुआ है। घरों में एक चौकोर आंगन होते थे, निजी कुएं होते थे, रसोई और स्नान करने की जगह के साथ कई कमरे होते थे। अच्छी तरह से भूमिगत अपवाह तंत्र यहाँ पर देखने को मिलता है। अपवाह तंत्र मतलब कि पानी के आने और जाने की व्यवस्था। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन, सुरकोटडा सहित हड़प्पा शहरों के साइटें शहर के विभिन्न प्रवेश स्थल पर बड़ी प्रवेश द्वारे होती थी, क्योंकि ये किले के रूप में बनाया जाता था, तो यहाँ पर बड़े प्रवेश द्वार भी बनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वाक्वेरेली साइमंड्स यानी कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किस निजी विश्वविद्यालय को भारत में नंबर वन निजी विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है। OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, या फिर चितकारा विश्वविद्यालय, कौन सा है? तो भारत में नंबर वन निजी विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है आपका थर्ड ऑप्शन, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को। इसमें और भी कई विश्वविद्यालय शामिल थे, लेकिन यहाँ पे चंडीगढ़ भारत में नंबर वन का दर्जा दिया गया, पूरे विश्व या एशिया में नहीं, भारत में। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को भारत में निजी नंबर वन विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। QS रैंकिंग के 20वां कौन सा संस्करण था, तो ये 20वां संस्करण था जिसमें कम से कम 45 भारतीय विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। यूनिवर्सिटी एशिया में भी 233वें स्थान पर रही है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, ये पूरे एशिया में 233वें स्थान पर रही है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT बॉम्बे इस साल के प्रतिष्ठित QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में नंबर एक भारतीय सार्वजनिक संस्थान के रूप में उभरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा सा कथन वाले पर है। रोहित बीमार था, जब एक डॉक्टर ने निदान किया तो उन्होंने कहा कि उसे मलेरिया है, उसे किस मच्छर ने काटा होगा। सीधे सीधे क्वेश्चन कि मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है, मादा क्यूलेक्स मच्छर, माता एनाफिलीज, नर क्यूलेक्स या फिर नर एनाफिलीज मच्छर। तो ये तो ईजी था, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। और मलेरिया का जो है वायरस क्या होता है, मलेरिया वायरस, इसके बारे में देखते हैं। मलेरिया जो बुखार है प्लाज्मोडियम विवेक्स नामक वायरस के कारण होता है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा, मलेरिया बुखार प्लाज्मोडियम विवेक्स नामक वायरस के कारण होता है। आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स इसीलिए बताते हैं क्योंकि अभी जो क्वेश्चन इधर एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं उसमें क्वेश्चन पेपर थोड़े मॉडरेट बन रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम है कि हम लोगों को पता होता है क्वेश्चन, अब थोड़ा सा उसको टफ करने के चक्कर में मॉडरेट क्वेश्चन, तो इसलिए आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स जरूरी हो जाते हैं, पता होना चाहिए। मलेरिया के परजीवी वाहक जो हैं एनाफिलीज मच्छर जिसको बोलते हैं मादा एनाफिलीज, इसके काटने पर मलेरिया के परजीवी लाल रक्त कणिकाओं में प्रवेश करके बहुगुणित होते रहते हैं, यानी कि ये बढ़ते रहते हैं 2, 4, 6, 8 इस तरीके से।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कौन सा देश सुपरमार्केट में पहली प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। वैसे हर देश कभी ना कभी प्रतिबंध लगाए हैं, भारत में भी प्लास्टिक बैन है, लेकिन यहाँ पर सुपरमार्केट में पतली प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत, फिनलैंड। तो ये है सेकेंड ऑप्शन, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड पहले भी प्लास्टिक वाले पे बैन लगा चुका था 2019 में, लेकिन अभी हाल में प्लास्टिक पतली थैलियों पर भी ये प्रतिबंध लगा दिया है। आइए इससे रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं। न्यूजीलैंड उन पतले प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन जाएगा जिसका उपयोग सुपरमार्केट के ग्राहक अपने फल और सब्जियां इकट्ठा करने के लिए करते हैं। नया प्रतिबंध जो अभी लगाया गया हाल फिलहाल में, ये प्लास्टिक स्ट्रॉ और चांदी के बर्तनों तक पर भी लागू होगा, क्योंकि सरकार ने 2019 में शुरू किए गए एकल उपयोग प्लास्टिक, यानी कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक बोलते हैं ना, उसके खिलाफ अभियान का विस्तार किया है। अब क्या हुआ है कि पतले प्लास्टिक पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। पतले बैगों पर नए प्रतिबंध से प्रतिवर्ष लगभग 150 मिलियन बैग की कमी हो जाएगी, जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा बैंक दुनिया का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक बनने जा रहा है? HDFC, SBI, ICICI या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा? तो दुनिया का चौथा मूल्यवान बैंक वो भी भारत का बन रहा है, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है करेंसी रिलेटेड। ये है आपका सेकेंड ऑप्शन, HDFC। HDFC इसके चौथा मूल्यवान बैंक बन रहा है, तो बाकी के तीन कौन कौन से हैं पूरे वर्ल्ड में, ये देखते हैं हम लोग। भारत का स्वदेशी जो है HDFC दुनिया का सबसे मूल्यवान बैंकिंग क्षेत्र के शीर्ष जगहों पर पक्की करेगा। अभी यहाँ पे आप लोग बनने जा रहा है, अभी बना नहीं है, और ये बनेगा कब? HDFC बैंक और HDFC के बीच विलय एक वित्तीय महाशक्ति को जन्म देगा, जो इक्विटी बाजार पूंजीकरण में चौथे स्थान का दावा करेगा, जिसका मूल्य लगभग $172 बिलियन होगा, जो केवल JP Morgan चेस और इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, बैंक ऑफ अमेरिका, ये जो तीनों हैं वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट लेवल के बैंक, JP Morgan चेस, इंडस्ट्रियल कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना और बैंक ऑफ अमेरिका से पीछे रहेगा, मतलब चौथे स्थान पर रहेगा। 1 जुलाई से प्रभावी होने वाले विलय के साथ नई HDFC बैंक इकाई के पास लगभग 120 मिलियन ग्राहक होंगे, तो फिलहाल ये अभी प्रभावी हो चुका है। यह अपने शाखा नेटवर्क को 8,300 से अधिक कर बढ़ाएगा, 1,77,000 से अधिक कर्मचारियों की कुल संख्या का दावा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग किस जानवर के बारे में नहीं जानते थे? ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, शेर, चीता, हाथी या हिरन? तो सिंधु सभ्यता के लोग जिस जानवर के बारे में नहीं जानते हैं वो है फर्स्ट ऑप्शन, शेर। शेर के बारे में क्यों इस तरीके से बोला गया है, इससे रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए विभिन्न जानवरों को पालतू बनाते थे और इनका उपयोग करते थे। इन जानवरों में भेड़, बकरी, कुबड़ और कुबड़ रहित बैल, दोनों प्रकार के बैल, भैंस, जंगली सुअर, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, मुर्गी, हिरण, कछुआ, हाथी, ऊंट और गैंडा, बाघ, ये सभी शामिल थे। लेकिन इस बात का कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिला है कि सिंधु सभ्यता के लोग शेर से परिचित थे, इसी के लिए कहा जाता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो शेर से परिचित नहीं थे। यह कई कारणों से हो सकता है। पहला है जैसे कि शेर उन क्षेत्रों के मूल निवासी नहीं हैं जहां पर यह सभ्यता फली फूली, या शेर उनकी संस्कृति या अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं थे, इस कारण भी हो सकता है। तो ये दोनों कारण हो सकते हैं जिसके लिए हम लोग कहते हैं कि सिंधु घाटी के लोग शेर को नहीं जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता के समकालीन था? ग्रीक सभ्यता, मिश्र सभ्यता, यूनानी या फिर रोमन सभ्यता? तो जो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन था वो था आपका मिश्र की सभ्यता, यहाँ सेकेंड ऑप्शन सही होगा। मिश्र की सभ्यता जो है वो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन था। इसके अलावा हम लोग को देखना मेसोपोटामिया, जहाँ से व्यापार के भी साक्ष्य मिले हैं, साथ साथ चीन में व्यापार तो नहीं होता था, लेकिन चीन की सभ्यता भी हड़प्पा कालीन ही थी। आइए इसका भी फैक्ट देखते हैं, चीन, मिश्र और मेसोपोटामिया, ये सभ्यताएं हैं सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा हड़प्पा लिपि के बारे में कथन सही है? यहाँ पर चार कथन दिए गए हैं। यह लिपि काफ़ी हद तक ग्रीक भाषा से जुड़ी हुई है,
या फिर दूसरा, हड़प्पा लिपि पूरी तरह से विघटित हो गई है और पठनीय है, मतलब अब इसे पढ़ा जा सकता है, या पटकथाएं ज़्यादातर दाएं से बाएं लिखी जाती हैं, या इनमें से कोई भी नहीं सही है। तो इन चारों में से क्या हो सकता है? क्या चारों नहीं सही हैं, या दाएं से बाएं लिखी जाती हैं, या अब पढ़ने लायक हो गई हैं? तो आपको भी पता होगा हड़प्पा सभ्यता अभी तक की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए सेकेंड गलत है। और ग्रीक से मिलती है यह भी गलत है। किसी भी मतलब जो हैं खोजकर्ता हैं वो ऐसा नहीं बताते हैं। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही है, बट कथाएँ ज़्यादातर दाएं से बाएं लिखी जाती हैं। उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला है और निष्कर्ष के तहत कहा है कि ज़्यादातर पटकथाएँ दाएं से बाएं तक लिखी जाती थी। क्यों निष्कर्ष निकाला, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। पटकथाएँ ज़्यादातर दाएं से बाएं लिखी जाती थी। लंबी मोहरे, कुछ मोहरे हैं लंबी हैं, चौकोर हैं, गोलाकार हैं, तो यहाँ लंबी मोहरों में बैस्ट्रोफेडोन विधि, बैस्ट्रोफेडोन विधि क्या है, वैकल्पिक लाइनों में रिवर्स दिशा में लिखने को अपनाया गया था। संकेतों की संख्या अगर जो बात करें तो 400 से 600 के बीच में है, जिसमें से 40 से 60 बुनियादी हैं और बाकी उनके वेरिएंट हैं। परपोला और स्कैंडिनेवाई सहयोगियों ने निष्कर्ष निकाला है कि हड़प्पा की भाषा थी द्रविड़ियन, और भी कई लोगों ने जैसे कि सोवियत विद्वानों ने भी इसी दृष्टिकोण को स्वीकारा है कि द्रविड़ियन थी, यानी कि दक्षिण भारतीय जो भाषाएँ हैं वो हड़प्पा वासियों से मतलब मेल खाती हैं। अन्य विद्वान ब्राह्मी के साथ हड़प्पा लिपि को जोड़ने के लिए अलग दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सही है वो है कि ज़्यादातर दाएं से बाएं लिखी जाती हैं, फिलहाल अभी ज़्यादातर पढ़ी नहीं गई हैं। सिंधु घाटी सभ्यता है ताम्रयुगीन, लौहयुगीन, अक्षीय युगीन सभ्यता या फिर कांस्य युगीन सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता को किस सभ्यता के क्या सभ्यता माना जाता है, तो यह है कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है, और सिंधु घाटी जॉन मार्शल इनका उपयोग करने वाले पहले शोधकर्ता थे सिंधु घाटी सभ्यता शब्द का। सिंधु घाटी सभ्यता का रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे विशेष व्यवस्था थी वह था इसका शहरीकरण। इसके अलावा भेड़ बकरियां, कुत्ते, मवेशी, भैंस और हाथी सिंधु घाटी सभ्यता में ये सब पालतू पशु थे। ये हो गया इसका एक्स्ट्रा फैक्ट्स। भारत में राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस अभी 1 जुलाई को मनाया जाता है, तो किसे सम्मानित और याद किया जाता है डॉक्टर दिवस पर? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अच्छा, इस क्वेश्चन से आपको 2 पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है, तो वो है 1 जुलाई को, और किसके लिए किसके सम्मान में या किसकी याद में ये मनाया जाता है, तो APJ अब्दुल कलाम, विधान चंद्र राय, डॉक्टर अम्बेडकर या राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर दिवस जो मनाया जाता है, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर सही है, डॉक्टर विधान चंद्र राय जी के सम्मान में या उनके याद में यह मनाया जाता है। आइए इसको फैक्ट देखते हैं। हर साल 1 जुलाई को भारत सम्मानित डॉक्टर विधान चंद्र राय जी को श्रद्धांजलि देने के लिए डॉक्टर दिवस मनाया जाता है, जो न केवल एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे बल्कि एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे और शिक्षा के चैंपियन भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति था? अच्छा, आज का जो हिस्ट्री वाला क्वेश्चन है वो सिंधु से ही रिलेटेड है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? रखालदास बंदोपाध्याय, दयाराम साहनी, BS बिस्ट या जॉन मार्शल। तो मैंने शायद दो पर बता भी दिया है। सिंधु घाटी सभ्यता शब्द प्रयोग करने वाला जो पहले व्यक्ति थे वो थे डॉक्टर जॉन मार्शल। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हम लोगों का सही होता है। जॉन मार्शल ने पहले इस शब्द को यूज़ किया था। क्यों? क्योंकि सिंधु नदी के किनारे इसकी खोज हुई थी। जॉन मार्शल पहले विद्वान थे जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता के लिए सिंधु सभ्यता शब्द का इस्तेमाल किया था। रखालदास बंदोपाध्याय जो अभी ऊपर आप लोग देख रहे होंगे, इन चारों लोग के बारे में भी देख लेते हैं, दयाराम साहनी, रखालदास बंदोपाध्याय और BS बिस्ट के बारे में। तो रखालदास बंदोपाध्याय मोहन जोदड़ो स्थल की खोज के लिए जाना जाता है, जबकि दयाराम साहनी को हड़प्पा की खोज के लिए जाना जाता है। RS बिस्ट ने किसकी खोज की थी? तो ये बनवाली की खोज की थी 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मोहन जोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? रावी, झेलम, चिनाब या फिर सिंधु। क्वेश्चन पूछता है सभ्यताएं किस नदी के किनारे पर स्थित हैं, तो यहाँ पर मोहन जोदड़ो पूछा है, तो मोहन जोदड़ो था सिंधु नदी के किनारे। फोर्थ ऑप्शन हम लोगों का सही होता है। ऑप्शन का फैक्ट देखते हैं, मोहन जोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु नदी भारतीय उपमहाद्वीप में भारत गंगा के मैदान की मुख्य नदियों में से एक है।
यह भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान की लंबाई के साथ अरब सागर तक बहती है। आप लोग देखते होंगे ऊपर, मतलब ये भारत के नक्शे में यहाँ पर कश्मीर से होकर के फिर ये साथ ही साथ चलते हुए अरब के खाड़ी में मिल जाती है। तो यहाँ पे भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान की लंबाई के साथ ही अरब सागर तक बहती है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो 1922 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी डॉक्टर डी बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो को 1980 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी नामित किया गया है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो इसको सिंधी में बोलते हैं मृतक लोगों का टीला। क्वेश्चन भी बना है इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करंट से रिलेटेड है। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय किस शहर में स्थित है? वाराणसी, हैदराबाद, चेन्नई, मैसूर। तो इन चारों में से ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ पर स्थित किया गया है? तो ये किया गया है अभी आपके हैदराबाद में। सेकेंड ऑप्शन हम लोगों का सही होता है। आइए, ये ओपन रॉक संग्रहालय है क्यों और इसकी स्थापना क्यों की गई? तो जो ओपन रॉक संग्रहालय की स्थापना लोगों को कई कम ज्ञात तथ्यों के बारे में शिक्षित करने के उद्देश्य से की गई थी। किस उद्देश्य से? तो कई कम ज्ञात तथ्यों के बारे में शिक्षित करने के उद्देश्य से। किसने किया था इसका जो उद्घाटन? तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद में भारत के पहले अनूठे रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। पहला है तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। फर्स्ट कोई भी हो, खोज हो या कोई चीज़ उद्घाटन हो या पहली बार किसी को नामित किया गया हो, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। स्टार्टिंग में आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, नहीं बोलते हैं, लेकिन लास्ट में आप लोगों का टाइम थोड़ा सा ज़्यादा प्रीशियस है, इसलिए बोल रहे हैं। अगर वीडियो में लास्ट तक आप बने हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। लाइक करेंगे तो मेरी वीडियो की रीच भी बढ़ेगी, और वीडियो को देखने के बाद अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।